आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मूवी आ रही है लाल सिंह चड्ढा आमिर खान की, तो ये जो मूवी है इसको लेके बहुत ज्यादा बवाल हो गया है। लोग कह रहे हैं कि भाई देखनी नहीं है, चाहे जो हो जाए। 11 अगस्त को आई गेस रिलीज हो रही है। अद्वैत चौहान ने इसको डायरेक्ट किया, करीना कपूर भी है इसमें। तो ये पिक्चर आ रही है, बात करेंगे कि भैया बॉयकॉट लाल सिंह चड्ढा ट्रेंड हो रहा है, अभी भी ट्रेंड हो रहा है, भयानक ट्रेंड हो रहा है। समझिए कि मतलब इनकी मूवी पे खतरा मंडरा रहा है। हालांकि मूवी फ्लॉप नहीं होगी, क्यों नहीं होगी? देखिए, आप भले ही एक इंसान ना देखने जाए, 180 करोड़ में मूवी बनी है, नेटफ्लिक्स ने इनके राइट्स ऑलरेडी 160 करोड़ में खरीद लिए हैं, तो फाइनेंशियल लेवल पे तो लॉस नहीं होगा। लेकिन हाँ, अगर आप बॉक्स ऑफिस पे देखो तो इनकी मूवी फ्लॉप हो सकती है। अब क्या रीज़न है जो आमिर खान ट्रेंड हो रहे हैं? हालांकि आमिर खान ने सफाई दी कि देखिए ये बहुत ही गलत है, मेरे बयानों को गलत कंटेक्स्ट में पेश किया जा रहा है और मैं अपने देश को कभी नहीं छोड़ूंगा और प्लीज़ इसको बॉयकॉट ना करिए, मैं अपने देश से प्यार करता हूँ, इस तरीके का उन्होंने बयान जारी किया है। पहले लाल सिंह चड्ढा के बारे में बात कर लेते हैं। जिंदगी गोलगप्पे जैसी होती है, सही बात है। फॉरेस्ट गंप का रीमेक है। फॉरेस्ट गंप आपने मूवी देखी है? मैंने ये मूवी 5-6 साल पहले देखी थी। जब मैंने ये मूवी देखी थी तो मेरा दिमाग उड़ गया था। ये मूवी इतनी शानदार है, ये वन ऑफ द बेस्ट मूवीज है अमेरिका की नहीं पूरी दुनिया की मानी जाती है। ये मूवी क्या है? इस मूवी में एक बेवकूफ लड़के की कहानी बताई गई है जिसको बिल्कुल भी दिमाग नहीं होता, आईक्यू लेवल 0, लेकिन आर्मी में जाता है तो आर्मी में नंबर 1, स्पोर्ट्स में जाता है तो स्पोर्ट्स में नंबर 1, बिजनेस करता है तो उसमें करोड़पति अरबपति हो जाता है। ऐसा क्या करता है ये? सिर्फ मेहनत, दिमाग नहीं है बट मेहनत, हैंड आई कोऑर्डिनेशन गजब होता है। तो ये मूवी आप देखिएगा, अंत में आप रोएंगे पक्का। ये बहुत ही गजब मूवी बनाई है यार फॉरेस्ट गंप, 1994 में आई थी। देखिए टॉम हैंक्स की जो मूवीज है ना वो गजब है। द टर्मिनल हो गया, कास्ट अवे हो गया, मेरी फेवरेट सेविंग प्राइवेट रायन। आर्मी एक्सपर्ट से पूछिए, रिटायर्ड कॉलोनल से पूछिए, वो आपको बताएंगे कि बहुत सारी मूवीज आई आर्मी से रिलेटेड, लेकिन एक ऐसी मूवी जो एक्चुअली में वॉर लाइक सिचुएशन को दर्शाती है वो है सेविंग प्राइवेट रायन। शुरुआत के आधे घंटे आपकी रूह कांप जाएगी, आपकी धड़कनें रुक जाएंगी। देखिएगा वर्ल्ड वॉर 2 जो नॉर्मेंडी वाला था ना, वो उसको दर्शाता। खैर, वो बहुत ही शानदार मूवी थी सेविंग प्राइवेट रायन, और बहुत ही गजब गजब मूवीज टॉम हैंक्स ने बनाई है, फेवरेट है मेरे। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको इनकी सबसे अच्छी मूवी कौन सी लगती है। तो ये फॉरेस्ट गंप ना बहुत ही कमाल की मूवी। तो एक तो रीजन ये है बॉयकॉट करने का कि भाई एक बात बताओ तुम्हारी मूवी हम क्यों देखें? क्योंकि जब मैंने भी जब इनका ट्रेलर देखा लाल सिंह चड्ढा का, तो सीन बाय सीन कॉपी कर दिया गया है। मतलब जो फॉरेस्ट गंप में सीन थे वो बिल्कुल यहां पे है, सीन बाय सीन। तो भाई कट कॉपी पेस्ट है, तो हम क्यों टाइम वेस्ट करें अपना, हम फॉरेस्ट गंप ना देख लें? हालांकि मैं इससे इतना सहमत इसलिए नहीं हूं क्योंकि देखिए इंडियन वर्जन में देखने में कुछ अलग ही मजा होता है, राइट? तो उसमें एक अलग ही मजा है। उसके बाद यहां पे आमिर खान के पुराने बयान चर्चा में आ रहे हैं, जब इन्होंने 2015 में यह बोला था कि भाई इनटॉलरेंस देश में बढ़ रहा है, असहिष्णुता जो है वो बढ़ती जा रही है, और मेरी वाइफ किरण जो है वो सेफ फील नहीं करते। हालांकि बाद में आमिर खान ने यह बयान दिया था कि ये आउट ऑफ कंटेक्स्ट लिया गया है। दंगल मूवी उस समय इनकी रिलीज होने वाली थी, उस बयान को भी देखा जा रहा है, उस बयान की वजह से भी लाल सिंह चड्ढा जो है वो ट्रेंड हो रहा है कि वाह भाई आप सेफ फील नहीं करते हो, बहुत बढ़िया, उसके बावजूद आप इस देश में मूवी रिलीज कर रहे हो। वो तीसरा पॉइंट ये है, पीके का भी एक ये दिया जा रहा है कि जिस तरीके से पीके में धर्म को यहाँ पे आमिर खान ने दर्शाया था और जिस तरीके से बवाल उस समय हुआ था तो वो सही नहीं था, इट वॉज नॉट एट ऑल एक्सेप्टेबल, ऐसा बोला जा रहा है ट्विटर पे। तो एक ये रीजन है। चौथा रीजन, हालांकि ये थोड़ा सा सही नहीं है, बट चौथा रीजन ये है कि इनकी मूवी चाइना में बहुत ज्यादा सक्सेस हुई। तो ये भी दिया दिखा जा रहा है कि देख लो भैया इनकी मूवी चाइना वाले बहुत ज्यादा देख रहे हैं। ओके, ये पिक रिसेप तैयब अर्दोगान, जो कि भारत विरोधी बयान देते रहते हैं, 370 जब एबॉलिश हुआ था तो यही रिसेप तैयब अर्दोगान जो है टर्की के, ये बहुत ही कट्टर इंसान है, ये भारत के खिलाफ खड़े हुए थे, आपको पता है। अब इनकी वाइफ अनीम एर्दोगान, अमीन एर्दोगान से आमिर खान जो है वो मिले। ये पिक बहुत ज्यादा वायरल हुई और इस पर बहुत ही छीछा लेदर हुई। इस वजह से भी
लाल सिंह चड्ढा जो है वो ट्रेंड कर रहा है कि बॉयकॉट लाल सिंह चड्ढा। जब इतनी सारी चीजें आमिर खान कर रहे हैं तो हम इनकी मूवी कैसे जाएं। फिर इनका एक और बयान, सत्यमेव जयते एक अच्छा प्रोग्राम आता था, सत्यमेव जयते बहुत बढ़िया प्रोग्राम था, ठीक है, आई एडमायर इट। उसमें काफी ग्राउंड रियलिटीज बताई जाती थी, लेकिन उसमें एक बयान इनका था कि 20 रुपए का या 30 रुपए का आप शिवलिंग पे जो दूध चढ़ाते हो इससे जब किसी को दान कर दो। देखिए ये यहाँ पे पब्लिक बोल रही है कि बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई, है ना, तो हम एक काम करते हैं, हम आपका 250-300 रुपए जो मूवी में देखेंगे, मूवी में टाइम वेस्ट करेंगे, हम किसी को दान कर देंगे। हम किसी गरीब बच्चे को या किसी डोनेट किसी को जो क्राउड फंडिंग है या जिसको भी जरूरत है हम उसको डोनेट कर देंगे। हम क्यों फिर आप इतना पैसा लगा के आपकी मूवी देखेंगे, है ना। तो ये चीज बोली गई है। देखिए एक मैं बताना चाहूंगा कि एक बहुत ये चलता है कि इस पैसे से ये हो सकता है, इस पैसे से वो हो सकता था, ये बात सही है, बट देखिए कुछ चीजें बहुत ज्यादा जरूरी होती हैं, है ना। अब जैसे स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, अब या जैसे उस पर बहुत ज्यादा बात चलती है, स्टैचू ऑफ यूनिटी पे बहुत ज्यादा बात चलती है। देखिए अगर ऐसा होना तो फिर दुनिया फिर मतलब बहुत सारी चीजें सर्वाइव ही नहीं करेगी। अगर मान लीजिए कि इजिप्ट के राजा भी यही सोचते, या अगर शाहजहां भी यही सोचता कि अरे हटाओ ताजमहल छोड़ो, ठीक है बाकी, तो फिर कहां से काम चलता। कहने का मतलब ये है कि कुछ चीजें जो है वो जरूरी होती हैं, ठीक है, देश के लिए, प्रगति के लिए कुछ चीजों को, जैसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन्हीं मॉन्यूमेंट्स को बनाया जाता है। अब फिर ये हो सकता है कि नहीं इसको बना के कुछ और कर देते, इसको बना के कुछ और कर देते, तो इसका फिर बहुत ये बहुत इलॉजिकल लगता है थोड़ा सा, है ना। हाँ वाकई में अगर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है तो आप उस पर इन्वेस्ट करो, तब तो है, बट ये भी चीजें पैरेलली जो है वो चलनी चाहिए। बट एनीवे वो एक अलग बात करने का मुद्दा है। तो यहाँ पे आमिर खान जो है, आमिर खान ये एर्दोगान जो फर्स्ट लेडी है, ठीक है, तो इनकी वाइफ से मिले, इस पे बहुत ज्यादा बवाल हुआ, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं जिसकी वजह से बॉयकॉट लाल सिंह चड्ढा जो है वो ट्रेंड कर रहा है। उसके बाद भैया करीना कपूर का जो बयान था उसे तो मैं भी नहीं सहमत हूँ भैया। वो तो वो कह रही, एक बयान पर उन्होंने बोला था कि आप पिक्चर देखो तो देखो, नहीं देखो तो ना देखो, हमने आपको थोड़ी ना इन्वाइट किया, एक ऐसे ही कुछ था। फिर उन्होंने यही बोला कि कुछ चीजों को आपको इग्नोर करना चाहिए। अब हम इन सारी चीजों को इग्नोर करना सीख गए हैं और इसीलिए मैं जो बॉयकॉट चल रहा है उसकी बात कर रही थी, मैं इन सबको इतना सीरियसली नहीं लेती। पहली बात तो यह है कि बॉलीवुड का इस समय बहुत बुरा हाल चल रहा है। एक मूवी आई थी भी शमशेरा, है ना भाई, वो मूवी एक फ्रीडम फाइटर पे आप मूवी बना रहे हो और आप उसमें क्या दिखा रहे हो। फ्रीडम फाइटर शायद कब की कहानी, 1870-80 की कहानी है ना ये, मैंने देखी नहीं वो मूवी, बट आप उसमें रोमांस एंगल डाल रहे हो। आप गाने में देखो वो क्या मतलब, तो अगर ये देखो भाई उस समय, जैसे लेजेंड ऑफ भगत सिंह आप मूवी देखो, राजकुमार संतोषी का, अजय देवगन की, क्या मूवी बनाई है, जबरदस्त मूवी बनाई है। और ऐसी बहुत सारी मूवीज हैं, सेविंग प्राइवेट रायन की मैं बात कर रहा हूं, सेविंग प्राइवेट रायन आप देखना, सेविंग प्राइवेट रायन में भी आप देखो कितना, अब उसमें पता चल रोमांस एंगल दिखा दिया, गाना वो थोड़ी ना जस्टिफाई करता है, मूवी फ्लॉप होंगी होंगी। देखिए आजकल की जनता बहुत स्मार्ट है, उनको पता है यहां पे हो सकता है कि बॉलीवुड को लगे या किसी और को लगे, डायरेक्टर को लगे, कि हो सकता है कि उनको लगे कि नहीं नहीं हम तो बेको, हम तो एक ही घिसी पीटी चीजें दिखाएंगे। नहीं, आजकल एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि भाई इधर हॉलीवुड खड़ा हुआ, इधर साउथ की मूवीज खड़ी हुई हैं, ठीक है, आप उनसे इस समय कंपीट नहीं कर सकते। तो बॉलीवुड को अब जैसे बहुत सारे, जैसे अनुराग कश्यप है, बहुत सारे ऐसे डायरेक्टर जो बहुत जबरदस्त मूवीज बनाती है, ठीक है, अनुराग कश्यप हैं और दिवाकर बैनर्जी हैं, ऐसे देर आर मेनी डायरेक्टर्स। लेकिन अब बॉलीवुड को भी समझना होगा कि भाई मूवीज बनानी है तो ऐसी बनाओ जिसमें बढ़िया स्टोरी हो। जैसे अभी एक वेब सीरीज पंचायत बहुत चली, देखिए कितनी गजब चली वो पंचायत, गुल्लक एक वेब सीरीज है बहुत ही शानदार। तो ये सब कितना ज्यादा क्रिएटिव है, आम लोगों से कनेक्ट कर रहे हैं, जनता स्मार्ट होगी इस समय। तो अगर आप ऐसी मूवी नहीं बनाओगे तो वो नीचे जाएगी ही जाएगी, है ना। तो ये चीज है फिलहाल, इसीलिए लाल सिंह चड्ढा को बॉयकॉट करने की मांग चल रही है। आपको क्या लगता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।